जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संजय सक्सेना और आज भाई मैं हूं यहां पे टाटा के शोरूम के अंदर और हम लोग ना कुछ हटके अब बात करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। टाइटल में आपने पढ़ी लिया होगा तो टाटा आई सी एन जी इंटेलिजेंट सी एन जी और मारुति सुजुकी एस सी एन जी स्मार्ट सी एन जी, अभी दोनों में क्या फर्क है यही चीज आज हम बात करने वाले हैं। भाई पैसा आपका है, अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो किसी कार के अंदर, खासकर अगर मैं बात करूं 10 लाख से नीचे नीचे में सी एन जी की व्हीकल्स, तो क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए और यहाँ पे टाटा और मारुति ये आई सी एन जी एस सी एन जी ये चीजें हैं क्या, थोड़ी बहुत हम लोग इस पर बात करेंगे। तो मेरे सामने जैसा आप देख सकते हो टाटा पंच है, टॉप वेरिएंट हमारे पास में खड़ा हुआ है डीजल एस। भाई यहाँ पे 5 वेरिएंट्स में ये कार आ रही है, ट्रेंटिवली 7,09,000 के एक्स शोरूम पे इसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है और टॉप वेरियंट जो कि ये मेरे सामने खड़ा है 9,67,000 पे आ रहा है। आप ये देखो, ट्विन सिलेंडर होने की वजह से गाड़ी के अंदर बूट स्पेस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। ट्विन सिलेंडर है, 210 लीटर का बूट स्पेस है, इसके साथ गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भाई 187 mm का अनलेडन ग्राउंड क्लियरेंस है, 2445 mm का व्हील बेस आ रहा है, बहुत बढ़िया यार, और क्या चाहिए। और एक लौती इंडिया के अंदर पहली ऐसी गाड़ियां बनी है जो कि सारे के सारे वेरियंट्स में सीएनजी आ रही है। आप देखो, अगर मारुति सुजुकी पे आप जा रहे हो आपको ना वहां पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, मतलब हमारे पास में कुछ सर्टेन वेरिएंट्स हैं जो कि सीएनजी पे आएंगे, लेकिन आप यहाँ टाटा के शोरूम में आओ, टाटा पंच ले लो, टाटा अल्ट्रोस ले लो, इसके साथ में टाटा टिगोर ले लो। बाय द वे टाटा टिगोर भाई 70 लीटर का उसके अंदर सीएनजी का टैंक आया है, मतलब इंडिया की सबसे जो बड़ा सीएनजी सिलेंडर वाली पर्सनल सेगमेंट की कार है अब वो टाटा टिगोर बन गई है, इससे पहले तक आर्टिका थी। आप ये देखो, ट्विन सिलेंडर गाड़ी आ रही है, यहाँ पे नॉर्मल इन गाड़ियों पे आप बात कर लेते हो 60 लीटर का टैंक आ रहा है, तो 30-30 लीटर के दोनों टैंक आ रहे हैं। टाटा के पास में आती है आई सी एन जी बोले तो इंटेलिजेंट सी एन जी। अभी टाटा इसको इंटेलिजेंट क्यों कह रहा है ये समझने की बात है। पहली चीज आप देखो, ये जो टाटा पोर्टफोलियो है ना सिंगल ईसीयू के साथ में आ रहा है, इसका मतलब है एक ही ईसीयू है जो कि पेट्रोल और सी एन जी को कंट्रोल कर रहा है। ठीक, मारुति में चलते हैं एस सी एन जी स्मार्ट सी एन जी जिसे कहा जाता है, वहां पे क्या होता है दो अलग अलग ईसीयू होते हैं, एक पेट्रोल को कंट्रोल कर रहा है एक सी एन जी को, तो इसमें क्या फर्क होगा अब इससे एज अ कस्टमर आपको क्या मतलब ये जानने से। तो भाई दोस्त आपको ये जानना यहाँ पे इसलिए जरूरी है, एस सी एन जी पे जब आप आओगे मारुति की गाड़ी में तो जब एक टाइम आता है ना कि सी एन जी पेट्रोल से सी एन जी पे गाड़ी शिफ्ट हो रही है तो टक करके आवाज आएगी, राइट, वो चीज टाटा में नहीं होगी। ऐसा क्यों हो रहा है सीएनजी में, क्योंकि एक ईसीयू जो था सीएनजी वाला पेट्रोल पे पहले वो शटडाउन हुआ फिर सीएनजी वाला ऑन हुआ, उसके बीच का जो टाइम फ्रेम था हल्का सा उसमें आवाज आई। खैर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्त आने वाले टाइम में अगर मान के चलो दोनों टैंक्स में थोड़ा फ्यूल कम हो रहा है कुछ हो रहा है ना, तो चांसेस हैं कि एस सीएनजी की गाड़ियां थोड़ा बहुत मिसिंग मारेंगी। ठीक, यहाँ पे आई सीएनजी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स में ना, जो ये आई सीएनजी है टाटा इसमें ये क्लेम करता है कि हमारी गाड़ी ना डायरेक्ट सीएनजी पे स्टार्ट होगी, तो अभी मारुति में ऐसा क्या होता है। तो पहली चीज तो जो टाटा कह रहा है ना ये डायरेक्टली सीएनजी पे स्टार्ट होगी ये वाली बात सही है, मतलब मान के चलो आपका जो पेट्रोल है पेट्रोल अगर बिल्कुल खत्म हो गया तो ये जो आई सीएनजी है ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगी और इसे डायरेक्ट सीएनजी पे स्टार्ट करेगी। यहीं पे मारुति की गाड़ियों में क्या होगा, वो जो वो स्विच होता है ना सीएनजी और पेट्रोल कन्वर्ट करने वाला, आपको स्विच को लॉन्ग प्रेस दबा के रखना है, लॉन्ग प्रेस दबा के रखेंगे वो थोड़ी देर में सीएनजी पे आ जाएगा, बस ये फर्क है। तो आपको इतनी सी मेहनत करनी पड़ेगी तो वो होगा एस सीएनजी में, लेकिन ये ठीक है स्मार्ट है। और ये जनरली ना देखो मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करता, ये फोर्स स्टार्ट मेथड इसे कहते हैं, और आपको जानते हो कि सीएनजी पे अगर गाड़ी स्टार्ट हो रही है सीएनजी एक गैस है राइट, तो सीएनजी पे वियर एंड टियर बहुत ज्यादा होगा, तो इसे बार बार नहीं करना, ये बस एक इमरजेंसी के लिए, तो वो मारुति भी होगी ये भी होगी, करेक्ट। एक चीज यहाँ पे बात होती है लीक डिटेक्शन की, तो आई सी एन जी में अगर मैं बात करूं फर्स्ट इन इंडस्ट्री है लीक डिटेक्शन। अब ये लीक डिटेक्शन है क्या, इन केस यहाँ पे सिस्टम पे कहीं पे भी ना गैस लीक हुई तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली सिस्टम को कट ऑफ कर देगा। इसके साथ में थर्मल इंसिडेंस यहाँ पे आ रहा है फीचर, थर्मल इंसिडेंस में क्या होगा, जैसे ही इसने देखा कि एक गाड़ी के अंदर एक टेम्परेचर सर्टेन अमाउंट से ज्यादा हो गया इसने क्या किया, डिस्कनेक्ट तो कर दिया दोस्त गैस को, वो पहली कर चुके हैं, लेकिन इसने ना जो सीएनजी में वो जो गैस है ना एक्स्ट्रा जितनी भी मतलब फ्यूल में गैस है उस टैंक के अंदर वो सारी की सारी गैस स्पेयर व्हील के नीचे की तरफ से गैस को निकाल दिया।
फायदा ये होगा दोस्त, अगर बाई चांस आग लगने के चांसेस हो रहे होंगे तो आप पीछे एक सीएनजी सिलेंडर लेके चल रहे हो, आप समझ रहे हो कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। इसने गैस को ही खाली कर दिया, तो वो किस्सा ही खत्म अगर इस सिचुएशन में होगा। तो ये जो ICNG टेक्नोलॉजी है, ये ज्यादा सेफ है एज कम्पेयर विद SCNG। यहाँ पे दोस्त ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं ना, पर्सनल व्हीकल के लिए ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, लेकिन कमर्शियल में अभी तक फिलहाल ये पोर्टफोलियो कमर्शियल में नहीं आया। जिस दिन कमर्शियल में आ गया भाई, यकीन मानना ये जो मारुति का मार्केट शेयर है ना, बहुत ज्यादा हिट करने वाला है, क्योंकि हर एक टाइप के पोर्टफोलियो में यहाँ पे गाड़ियां देखने को मिल रही हैं टाटा के पास। दूसरी चीज, गाड़ी की आप वारंटी, 3 साल 1 लाख किलोमीटर की टाटा की गाड़ियों में वारंटी आ रही है। अगर आप इसे एक्सटेंड करवाओ तो 5 साल 1,25,000 किलोमीटर तक आप इसकी वारंटी एक्सटेंड करवा सकते हो। भाई यही चीजें, थोड़ा बहुत डिफरेंस है ICNG और SCNG के अंदर, लेकिन ये नहीं है कि SCNG बिल्कुल ही बेकार है। कुछ कॉमन फीचर जैसे स्टेनलेस पाइप के जो जॉइंट्स होते हैं वो दोनों में कॉमन है। दूसरा उसमें फायदा यही हो रहा है कि भाई रस्टिंग नहीं लगेगी आने वाले ज्यादा टाइम में। दूसरी चीज, दोनों गाड़ियों में फिट एंड फिनिश, अगर आप देखो जिस हिसाब से CNG सिलेंडर की प्लेसमेंट है उसमें फिट एंड फिनिश है। आप अगर आगे मैं बात करूं, जैसे इसका फिट एंड फिनिश दे रखा है ना, मतलब काफी अच्छा रिफाइन यहाँ पे फिट एंड फिनिश दे रखा है, जो आपको बाहर आफ्टर मार्केट में नहीं मिल सकता। एंड मेजर चीज, आप सब जानते हो अभी BS6 के अंदर ये जितनी गाड़ियां हैं ना, ये अगर आप बाहर से CNG लगवा रहे हो ना तो रजिस्टर्ड नहीं है। करेक्ट, हो सकता है किसी दूसरी स्टेट में हो, लेकिन भाई दिल्ली NCR के अंदर तो वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो बाहर से CNG का कोई फायदा नहीं है। दूसरा, CNG इकोनॉमी भी बढ़ेगा, और एक प्लस पॉइंट टाटा के पास में आने पे ये होगा कि इनका कंप्लीट पूरा पोर्टफोलियो ना CNG पे है। आप फीचर बोलो आपको कौन सा चाहिए, CNG पे आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। मेरे सामने ये प्रूफ है भाई, CNG के अंदर सनरूफ, वो भी एक माइक्रो SUV, 10 लाख के आसपास हमें ये ऑन रोड के आसपास हमें देखने को मिल जाएगी। क्या चाहिए प्लस? अब मैं बात करता हूँ इस बात पे कि भाई मारुति की गाड़ियां हल्की होती हैं या भारी होती हैं, जो भी चीज है, ये बात अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बेसिक जो डिफरेंस है मैंने आपको ये समझाया है इस वीडियो के अंदर। अभी टाटा के अंदर देखो, पहली चीज सेफ्टी तो है, मैं ये नहीं बोल रहा कि टक्कर टक्कर खेल रहे हैं रास्ते के अंदर या सेफ्टी को बहुत ज्यादा हवा बना दिया टाटा ने, मैं ये बात बिल्कुल नहीं बोल रहा। लेकिन आप समझो, आपकी एक प्राइमरी कार या हो सकता है एक सेकेंडरी कार, डे टू डे आप ऑफिस से कम्यूट कर रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता किसकी गलती है, सामने वाले की अगर गलती हो गई बाई चांस 1,000 में से 10,000 में से 1 बार, तो दोस्त सेफ्टी तो है, ये एक प्लस पॉइंट है। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ ना, टाटा इसमें काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। यहाँ पे अगर बात करें फ्यूल एफिशिएंसी की, तो फ्यूल एफिशिएंसी में 19-20 का फर्क आएगा, लेकिन हाँ टाटा की गाड़ियों की फ्यूल एफिशिएंसी CNG में कम होगी मारुति से, तो ये बात बिल्कुल श्योर है आपके मुंह पे ऑफ फ्रंट बोलूंगा मैं। क्योंकि एक रीजन है गाड़ी का वेट, दूसरा रीजन है हो सकता है थोड़ा बहुत एरोडायनामिक। खैर ये टाटा पंच खड़ी हुई है, इसका कोई कंपटीशन नहीं, ऑल्ट्रोस ले लो, टिगोर ले लो, वहां पे थोड़ा सा वेट वाला मसला आ जाएगा। दूसरी चीज, CNG के अंदर भाई देखो, ये जो ट्विन सिलेंडर है ना, यहाँ पे अगर एक मारुति का SCNG का ट्विन सिलेंडर है, अगर उसमें 8.5 किलो के आसपास की गैस CNG की डल रही है, तो यहाँ पे 10% का 19-20 का फर्क आएगा, क्योंकि ट्विन सिलेंडर है। तो दो CNG के सिलेंडर अगर अलग अलग है ना, कभी भी 100% फुल नहीं हो सकते। मैन्युफैक्चरर लिख के देता है वाटर टैंक कैपेसिटी, वो ये नहीं बता रहा सीधा कि CNG कितना है, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है कई फैक्टर पे, प्रेशर कितना है बाहर का, एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना है, गर्मियां हैं सर्दियां हैं, उसमें कई चीजों में फर्क होता है। तो भाई आज मैं हूँ कहाँ पे, मैं हूँ DPS कार प्रीत विहार के अंदर, टाटा का एक ऑथराइज शोरूम। कुछ भी आपका डाउट आ रहा है रिलेटेड टू डील, रिलेटेड टू प्रोडक्ट, आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर से बात कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से यही था, डेट्स ऑल फॉर माई साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो यस इसको सब्सक्राइब करें, एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो यस इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में जो भी CNG या ICNG कुछ ऐसी गाड़ियाँ देख रहे हैं। तो खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच, मैं हूँ संचित सक्सेना।